पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन से मिलने गुजरात में उनके आबाई घर पहुंचे, अपने दफ्तर में इस्तकबाल किया। गुजरात यूनिवर्सिटी के तलबा से खिताब किया। आपकी जमात के कुछ आजमूदा घोड़े नून लीग में चले गए और कुछ पीपल्स पार्टी ले उड़ी, अब आपकी जमात कितनी सीटें लेगी? चोर का काम होता है चोरी करना, वो चोरी करके ले गए, लेकिन हमारे पास अभी जखीरा है बड़ा हुआ, बड़ा अच्छा। अंदाजा तो लगाया होगा कितने उम्मीदवार जीत जाएंगे? ये तो अल्लाह ताला को पता होता है, जहाँ आवाम को पता किस तरीके से उन्होंने वोट करना, लेकिन इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपकी तवक्कुआत से ज्यादा होगा। क्या आपकी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे में कोई अहम किरदार अदा कर सकेगी? इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमारे बगैर चलना मुश्किल हो जाएगा सबके लिए, किसी के लिए। नून लीग तो ये समझती है कि वो दो तिहाई अक्सरियत ले जाएगी या फिर आसानी से हुकूमत बना लेगी, फिर आपकी अहमियत कैसे रह जाएगी? तो समझते हैं ना, समझने के लिए जो मर्जी कर लो, समझना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन ये तो देखना है हकीकत में क्या नतीजा क्या निकलता है इसका। अंदाजा तो लगाया होगा कि आपकी जमात कितनी सीटें जीत लेगी? देखिए तादाद तो नहीं बताई जा सकती, लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि जो लोग समझ रहे हैं ना उससे ज्यादा होगा। पिछली दफा तो बदतरीन हालात में आपने कौमी असम्बली की 40 से ज्यादा सीटें जीत ली थी, इस दफा कितनी जीतेंगे? 41 जो हमने पिछली दफा जीती थी ना, तो वो उसमें हमारी चोरी 10 की चोरी हुई है ना जी, 10 की चोरी काट दें इसमें से, तो बाकी जो बचेगी इंशाल्लाह ताला उसके इर्द गिर्द ही होगा काम। सोचते तो होंगे, अंदाजा तो लगाया होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कितनी सीटें लेगी, नून कितनी जीतेगी और आपकी जमात और तहरीक इंसाफ कितनी कितनी सीटें लेंगी? ये बाद इलेक्शन आया काफी देर के बाद, जिसमें अब कोई अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है, कोई भी चीज हो सकती, सरप्राइज हो सकती है। क्या मुस्तकबिल में भी आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी रहेंगे या फिर नून लीग के साथ भी जा सकते हैं? नून के साथ तो अब हमारा कोई ऐसा रिश्ता नहीं रहा, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ हम मिल के इलेक्शन में हिस्सा तो ले रहे हैं, लेकिन फिर उसके बावजूद पीपल्स पार्टी और हमारे दरमियान बाद सीटों के ऊपर हमारा ये इत्तेफाक नहीं हो सका, तो ओपन कर दी गई है, जैसे कि गुजरात की सीटें हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सीटों के मामले पर पीपल्स पार्टी से तलखी इस कदर बढ़ गई हो कि मुस्तकबिल में इकट्ठे चलना मुश्किल हो? मुस्तकबिल का तो किसी को नहीं पता होता, लेकिन बहरहाल देखते हैं आगे जाके क्या होता है, बहरहाल हमारा उनके साथ अलायंस तो है। बहुत से तजियाकार कह रहे हैं कि इमरान खान इस दफा हैरान कुन नतीजे दे सकते हैं, आप तहरीक इंसाफ को किस तरह परफॉर्म करते हुए देख रहे हैं? हैरान कुन इतना हैरान कुन वाली तो नहीं इमरान खान की, लेकिन नवाज लीग से वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। तो क्या आपके ख्याल में पीटीआई की सीट्स नून लीग से ज्यादा होंगी? जो मुझे नजर आ रहा है, आपके बहुत से करीबी साथी जैसे अमीर मकाम और शेख वकास अकरम वो आपको छोड़कर चले गए, क्या खुदा हाफिज कहकर जाते हैं? खुदा हाफिज भी नहीं कहकर जाते, रात के अंधेरे में चले जाते हैं। जिनको हमने मेंबर बनवाया, जिनको हमने मिनिस्टर बनवाया, जिनको हमने तमाम अमराज दी, सब कुछ किया, अगर वो चले जाएं तो फिर हम। वो कौन है जिसके जाने पर आपको सबसे ज्यादा गिला हो? सबसे ज्यादा गिला दो तीन से है, जिनको हमने बहुत ज्यादा प्यार किया था। कौन? लेकिन वो एक बादशाह शेर थे, शराजी थे, कराची के, सिंध के। वकास को भी किसी बहुत हद तक ले रहे, हमने उसको अपना छोटा समझ के तो उसकी बड़ी की थी, लेकिन वो भी अब चला गया, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। बहरहाल में तजर्बा पहले भी काफी था, लेकिन इस बार जो तजर्बा हुआ ना इस असेंबली में वो बहुत ज्यादा, यानी कि अब लोगों में कोई मॉरल वैल्यूज नहीं रही,
कोई रख रखाव नहीं रहा, पर जो जो सामने जो जिसको जाति मफाद हो तो वो उसके साथ चला जाता है। दोपहर का खाना अपने बेडरूम में खाया, चौधरी परवेज इलाही भी मौजूद थे। हम ख्याल आपसे अलग हो गए थे, नून लीग ने भी उन्हें टिकटों के मामले में लिफ्ट नहीं कराई, अब आपका तबसरा क्या है? उनका तो राज हुआ है। मुआयदा हुआ था नून लीग का, उन्हें टिकट नहीं मिलने चाहिए थे? मुआयदा सोचते ना पहले, मुआयदा किससे कर रहे हैं वो, दोनों को सोचना चाहिए था कि मुआयदा किससे कर रहे हैं। क्या ये दोनों वादे नहीं निभाते या क्या? वादे निभाने की बात, वादे के बरक्स जाते हैं। आपने मियाँ नवाज शरीफ को भी बहुत करीब से देखा और सदर जरदारी के इत्तेहादी भी रहे, दोनों में क्या फर्क है? मियाँ नवाज शरीफ साहब को तो बड़ी देर, काफ़ी देर देखते रहे, उनमें भी एक चीज़ ऐसी पैदा हो, पहले तो बिल्कुल ठीक थे चलते, एक चीज़ पैदा हो गई थी मैं वाली। मैंने उन्हें एक दफ़ा कहा था जी जो मियाँ साहब ये मैं वाला काम छोड़ दें, मैं ना आप तो अपनी तकरीरों में कहा करें, हम कहा करें। कुछ देर वो उन्होंने मैं छोड़ दी, फिर मैं शुरू कर दी, तो उसमें एक उनमें एक गुरूर एक और एक बड़ापन होने का एक एक जेहन में आ चुका था और अभी भी है। अभी भी आप कहते हैं कि वो टू थर्ड मेजोरिटी लेके आएंगे और घर में प्राइम मिनिस्टर बन के बैठे हुए हैं। उसके मुकाबले में अगर जरदारी साहब को देखा जाए, उनको हमने वोट भी नहीं किया था, हालांकि हमने तो मिशेल हुसैन को वोट दिया था, लेकिन उसमें एक तो सबसे बड़ी जो मैंने चीज़ देखी है ना, वो ये देखी है विक्टिमाइजेशन नहीं करता, वो किसी के साथ उसने विक्टिमाइजेशन नहीं की, यहाँ तक कि जिस आदमी ने उसकी उनकी जबान काटने की कोशिश की उसको भी छोड़ दिया, उसमें एक बड़ापन है। कई लोगों के ख्याल में नवाज शरीफ अगले वजीर आजम होंगे, दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि उनके एस्टेब्लिशमेंट से तलकात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं हैं, तो फिर होगा क्या? सीटें अगर आवाम ने उन्हें ज्यादा दे दी तो मुस्तकबिल क्या फिर बन जाएंगे? प्रॉब्लम नहीं होगा एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई झगड़ा? एस्टेब्लिशमेंट का अब इतना रोल नहीं रहा, बस वो रोल अदाकार भी नहीं रहे। एस्टेब्लिशमेंट से आपके मुराद फौज है ना जी, ये तो एक नाम रखा हुआ है, सीधे सीधी बात करनी चाहिए दिल्ली के साथ कि एस्टेब्लिशमेंट का कह के उसको कैमोफ्लाज करने की कोशिश करते हैं, उसे फौज है ना, तो फौज इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही। नहीं तो क्या होगा, वो समझते हैं नवाज शरीफ जो चाहेंगे आके कर लेंगे, फौज को कोई इतराज नहीं होगा। नहीं क्या कर रहे हैं, खारजा पॉलिसी बदल लेंगे या पाकिस्तान को बेच देंगे किसी के पास? जनरल मुशर्रफ के साथ आपका बहुत साथ रहा, आजकल उन पर जो गुजर रही है, आप सोचते तो होंगे कि उन्होंने जो बोया वही काट रहे हैं या फिर उनके साथ कुछ ज्यादती हो रही है? काट तो रहे हैं, लेकिन तरीकाकार जो है ना अडॉप्ट किया जा रहा है ना, वो कुछ मेरा मुनासिब नहीं कि किसी को ह्यूमिलेट करना जो है मेरा ख्याल ये मुनासिब नहीं कि इस तरीके से आर्मी चीफ रहा हो तो उसको ठीक है, कानून के मुताबिक कार्रवाई करें जो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से हो रहा है, जैसे कि ये उनके खिलाफ ये हाइट्रीजन का केस बनाया जा रहा है, उसमें अब ये तो बड़ा डोरा बॉक्स खोल देंगे फिर बड़ी। गुजरात के पोलिंग एजेंट्स को हदायत जारी की, आठ में जनरल मुशर्रफ की वजह से आपकी जमात को सियासी नुकसान पहुंचा, अब पीपल्स पार्टी की बुरी कारकर्दगी की वजह से आपको नुकसान तो नहीं होगा? इसमें कोई शक नहीं है कि बाज हमारे दोस्त हमारे जो लोग हैं वो चाहते थे कि पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर ना इलेक्शन लड़ा जाए, हम अकेले इलेक्शन लड़ें, और तभी उन्होंने कई ऐसे हैं जो उन्होंने इंडिपेंडेंट खड़े होने का फैसला किया हुआ, तो फर्क तो हमें पड़ा है शुरू में, लेकिन फिर हमने एडजस्टमेंट सीटों की है उनके साथ, तो उससे कोई हालात बेहतर है। कितनी सीटों पर एडजस्टमेंट हुई है हमारी उनके साथ? कोई
25 से ज़्यादा सीटों पर पंजाब में। और कितनों पे इख्तलाफ है, कितनी सीटों पर? तकरीबन 8-10 होंगी जिसके ऊपर हमने ओपन कर दिए। खबर तो ये आई थी कि गुजरात वाली सीट पर बहुत पहले मामला तय पा गए थे, फिर क्यों इख्तलाफ राय हो गया? नहीं, हमारी सदर जरदारी साहब से एक दफ़ा भी गुजरात के सिलसिले में बात हुई, मैं वसूख से कहना चाहता हूँ, एक दफ़ा भी बात नहीं हुई, बात चीज शुरू नहीं की गई सीट को। आप जरूरत नहीं समझते थे? नहीं, जरूरत की बात नहीं थी, ना उन्होंने किया ना हमने किया। आपके ख्याल में अगली हुकूमत किसकी होगी? बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग नून अगली हुकूमत बनाएगी। नहीं, मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून हुकूमत नहीं संभाल सकती, इतनी उनके पास मेजॉरिटी नहीं आएगी कि वो हुकूमत संभाल सके। हुकूमत अगली भी कोलिशन गवर्नमेंट ही बनेगी, मिलजुल के गवर्नमेंट बनेगी। और मेरा ख्याल है कि खुदा ना करे ऐसा हालात पैदा हो जाए कि जो मुझे नज़र आ रहा है इलेक्शनों के बाद के हालात जो है ना, वो ज़्यादा मुझे ख़तरनाक नज़र आ रहे हैं। तो ये एक सिलसिला जो चल रहा है, ये मुझे तो नज़र आता है कि अगर ये सिलसिला चलता रहा और रिजल्ट अगर इसी तरह के तरीके के आए जिस तरीके का आम लोग समझ रहे हैं, आम लोग समझ रहे हैं, लीडर नहीं समझ रहे, लीडर तो समझ रहे हैं कि हमें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल जाएगी, आम लोग समझ रहे हैं, तो ये फिर ऐसी असम्बली बनेगी कि हर साल जो है वो प्राइम मिनिस्टर चेंज होगा, हर साल प्राइम मिनिस्टर, पांच प्राइम मिनिस्टर आप देखेंगे। ये मेरा अंदाजा है, ख्याल है, फिर पांच प्राइम मिनिस्टर आएंगे 5 साल के अंदर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग इलेक्शन में जा रही है, लोगों को क्या कह रहे हैं आप कि आपने क्या डिलीवर किया, आइंदा क्या आके करेंगे, अपना प्रोग्राम क्या बताते हैं आपको और अपनी कारकर्दगी क्या बताते हैं? कारकर्दगी हमने जो की है वो बताते हैं, बाकी सारी जमातों वाले अपना मंशूर लेके आए हैं। मशहूर में वो ये कह रहे हैं कि हम जब आएंगे तो हम ये करेंगे, हम अपनी कारकर्दगी लोगों को बता रहे हैं कि अब जब हम थे तो हमने ये किया था। 4 साल तक वज़ीर-ए-आला रहे परवेज साहब, तो जो उन्होंने काम किया पंजाब के लिए, आज आप देखें दुनिया सारी कर रही है, यूनिवर्सिटी हमने बनवाई, 1-1-2-2-2-2 का हमने इजरा किया, और बेतहाशा जो डेवलपमेंट के काम जो हुए हैं वो उसी ज़माने में हुए हैं। और मैं भी जाता हूँ, जब मैं प्राइम मिनिस्टर था तो जो मैंने किया वो भी आपके सामने है। थोड़े से अरसे में ऐसे ऐसे इकदाम किए जिसकी बड़ी मुखालफत की गई थी, बड़ा प्रेशर डाला गया था इराक में फौजें भेजने का, तो मैंने लिख के किया दिया था इराक में फौजें नहीं भेजी जा सकती। अब आप समझते हैं कि आइंदा जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़्यादा बेहतर किरदार अदा कर सकेगी इंशाल्लाह, क्योंकि अब हमें कोई बैसाखी नहीं रही, ना ही हम किसी के बैसाखी के जोर के ऊपर आ रहे हैं। जो हमारे मेंबर आएंगे वो अपनी कारकर्दगी के ऊपर, हमारी कारकर्दगी के ऊपर आएंगे, तो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी।